नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनसर टीवी पर। आज की खबर में आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। देश दुनिया की खबरों पर डालेंगे नजर, राज्यों की हलचल का पर भी होगा अपडेट, व्यापार से खेल के मैदान तक हर खबर से करवाएंगे आपको रूबरू। तो चलिए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए जारी की अधिसूचना। सहमति बनाने के लिए बीजेपी ने शुरू की विमर्श की प्रक्रिया। विपक्षी दलों ने की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर बैठक। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के लिए नए दौर की शुरुआत। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी। जुलाई के आखिर में 72 GHz स्पेक्ट्रम की होगी नीलामी। मई महीने में निर्यात में उछाल, 20.5% बढ़कर एक्सपोर्ट पहुंचा 38.94 अरब डॉलर पर। रत्न और आभूषण निर्यात बढ़कर 3.5 अरब डॉलर के करीब। लगातार तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए राहुल गांधी। ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए कई नेता और कार्यकर्ता। और मंकी पॉक्स का प्रकोप असामान्य और चिंताजनक। विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक का बयान। अब तक 39 देशों से 1600 से ज्यादा लोगों में मंकी पॉक्स की पुष्टि। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा की राजधानी पणजी के पास डोना पाउला में नए राजभवन की इमारत की आधारशिला रखी। नई इमारत के निर्माण में वर्षा जल संचयन जैसे उपायों के जरिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और स्पेन के विदेश मंत्री जॉस मैनुअल अल्बारेस ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मुलाकात में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। साथ ही भारत प्रशांत, यूक्रेन, अफगानिस्तान, दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका के हालात पर चर्चा की है। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री रेटनो मारसुडी स्पेशल एशियन भारत विदेश मंत्रियों की बैठक और दिल्ली डायलॉग 12 के लिए भारत पहुंची हैं। यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना में विशेष अग्निपथ योजना के तहत अल्पकालिक अनुबंध पर भर्ती होने वाले अग्निवीर सैनिकों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह घोषणा की है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज सुधार के साथ 6 पायदान की छलांग लगाई है। सूचकांक में भारत 43वें से 37वें स्थान पर आ गया है। मुख्य रूप से आर्थिक मोर्चे पर प्रदर्शन में सुधार से प्रतिस्पर्धा के मामले में भारत की स्थिति सुधरी है। कोवैक्सीन की बूस्टर खुराक कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप के खिलाफ टीके का प्रभाव बढ़ाती है और ओमिक्रॉन के BA.1 और BA.2 स्वरूपों के खिलाफ प्रतिरक्षा को मजबूत करती है। ICMR और भारत बायोटेक के अध्ययन में ये बात कही गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 89% व्यस्क आबादी का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र अवशेष कपिल वस्तु से मंगोलिया में गंदन मठ के बत्सगान मंदिर सभा भवन में बड़ी श्रद्धा के साथ प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सदियों पहले बौद्ध धर्म भारत के हिमालयी क्षेत्रों से मंगोलिया पहुंचा और अनमोल साझा विरासत का हिस्सा बन गया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने इस साल अप्रैल से जून की अवधि के लिए खेलो इंडिया के 21 खेलों के 2189 खिलाड़ियों के लिए कुल 6.52 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इन खेलों में पैरा खेल भी शामिल है। वार्षिक खेलो इंडिया छात्रवृत्ति योजना के तहत मान्यता प्राप्त अकादमियों में प्रत्येक आवासीय खिलाड़ी प्रशिक्षण केंद्र के लिए 6.28 लाख रुपए की वित्तीय सहायता आवंटित की गई है। अमेरिका के येलोस्टोन में बाढ़ के कारण देश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान से 10,000 से अधिक आगंतुकों को निकालने का आदेश दिया गया है। बाढ़ के कारण कई पुल और सड़कें बह गई हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। फिनलैंड में पावो नोर्मी खेलों में टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता भारत की नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में 89.30 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है।
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति चुनाव 2022 की प्रक्रिया आज अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो गई है। 29 जून नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी, जबकि 30 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 2 जुलाई है। राष्ट्रपति पद के लिए जरूरत होने पर चुनाव 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को होगी। निर्वाचित सांसदों और विधायकों वाले निर्वाचन मंडल के 4,809 सदस्य नए राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। इनमें 776 सांसद और 4,033 विधायक शामिल हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और उससे पहले राष्ट्रपति चुनाव कराना संवैधानिक अनिवार्यता है। राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं। नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्ताव या अनुमोदक की ओर से राज्यसभा महासचिव और राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी को उनके कार्यालय कमरा संख्या 29 भूतल संसद भवन नई दिल्ली में 29 जून 2022 तक किसी भी कार्य दिवस में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच जमा कराया जा सकता है। आगामी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनाने के लिए बीजेपी ने विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से बातचीत की। बीजेपी ने राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श करने के लिए अधिकृत किया है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने पर आम सहमति बनाने के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की तरफ से बुलाई विपक्षी दलों की बैठक में कम से कम 17 राजनीतिक दलों के नेता शरीक हुए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके, आरजेडी और वाम दलों के नेता बैठक में शरीक हुए। शिवसेना, सीपीआई, सीपीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेडीएस, आरएसपी, आईयूएमएल, राष्ट्रीय लोकदल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी बैठक में शरीक हुए, जबकि आम आदमी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति और बीजू जनता दल ने इससे दूरी बनाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के तौर तरीकों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 72,097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई महीने के अंत तक की जाएगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी का दूरसंचार विभाग का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इसके तहत जनता और उद्यमों को 5G सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा। सरकार 20 साल की वैधता वाले कुल 72,097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जुलाई माह के अंत तक नीलामी करेगी। इसके अलावा विभिन्न निम्न, मध्यम और उच्च फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए भी स्पेक्ट्रम नीलामी की जाएगी। दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों को गति देते हुए मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित कई विकासशील विकल्पों की भी घोषणा की है, जो कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देंगे। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, अगर भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की बात करें तो ये एक नए दौर की शुरुआत होगी। ऐसे में 5G आवंटन के लिए अगर प्रेफरेंस की बात की जाए, अगर हम बात करें कि सरकार किसे प्रेफरेंस देगी किसी भी कंपनी को, तो वो किस आधार पर प्रायोरिटी देगी, क्या कुछ मुख्य बिंदु होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार इस पूरे स्पेक्ट्रम आवंटन में जो घरेलू कारोबारी है, घरेलू जो कंपनियां हैं, उनको प्राथमिकता देगी और उसमें कुछ शर्तें तय की गई हैं। और शर्तों में एक तो सुरक्षा मामला उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि सुरक्षा के मामले में जो कंपनी सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि आश्वस्त कर सकती है वो सबसे ज़्यादा होगी। उसके अलावा जो पूंजीगत बातें हैं, तो 100 करोड़ का नेटवर्थ रखना होगा किसी भी कंपनी को जो इसमें शामिल होना चाहता है। न्यूनतम 100 करोड़ का उसका नेटवर्क रहना पड़ेगा। ये पूरे देश के लिए है, लेकिन एक एक्सेप्शन किया गया है, दो एक्सेप्शन किए गए हैं दरअसल,
जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के लिए वो जो नेटवर्थ है उसकी सीमा 50 करोड़ ही रखी गई है। तो जिस तरीके से सरकार की नीति है कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में भी इंटरनेट का 5G टेक्नोलॉजी का और उसके बाद हम 6G टेक्नोलॉजी में प्रवेश करने वाले हैं, तो उसमें भी कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को भी, क्योंकि वे एक तो सुदूर एरिया है और उसके अलावा उनका मुख्य जो धारा है जो इधर से संपर्क कई बार नहीं हो पाता है, तो इसके चलते उन्हें छूट दी गई है और कारोबारी या कई व्यवसायी उधर जाने से हिचकिचाते हैं, इसलिए भी यह छूट दी गई है जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के इलाके के। उसके अलावा देखिए उसमें जो भी शामिल, एक कंपनी में कई ऐसे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो शामिल होते हैं और वे छोड़कर भाग ना आए, इसके लिए एक लॉक इन पीरियड की व्यवस्था की गई है कि जिस कंपनी में अगर किसी भी एंटिटी का अगर 10% से ज़्यादा अगर हिस्सेदारी है तो वो 1 साल के पहले उस कंपनी को छोड़ के नहीं निकल सकता है। तो एक तरह से सुरक्षा की भी गारंटी की गई है कि जो भी कंपनी ऑक्शन में शामिल होती है या जिसे ऑक्शन के बाद जिसे निविदा दिया जाता है उसके लिए 1 साल की गारंटी होगी। एक और जो महत्वपूर्ण बात कही गई है इसमें, जिस तरह से ईज ऑफ बिजनेस की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और उसे कार्यान्वित करने की कोशिशें हो रही हैं, तो उसके तहत एक बात यह भी है कि पहले होता यह था कि अगर किसी इस तरह की निविदा होती थी तो उसमें एकमुश्त सारी राशि जमा करनी पड़ती थी निविदा की, लेकिन इसमें ये छूट दी गई है कि वो 20 इंस्टॉलमेंट में, चूंकि ये पूरी जो निविदा की अवधि है जो ऑक्शन की अवधि है वो 20 साल को लिए की जाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो 20 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट में वो पे कर सकते हैं। तो एक तरीके से समझिए कि अगर नई कंपनी इंटर कर रही है तो उसके लिए भी काफी सुविधा होगी और पुरानी कंपनी अगर कर रही है तो पुरानी कंपनी को भी अपने अन्य जो लाइबिलिटीज है जो या उनके अन्य जो कामकाज है उस कामकाज पे कोई असर न पड़े, क्योंकि देखिए इसमें धन काफी लगाना पड़ेगा और चूंकि ये कई तरह के नई व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी, नई तकनीक लानी पड़ेगी, इसके चलते कंपनियों को इस तरह की सुगमता के साथ काम करने की, उनके शर्तों को आसान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात बहुत ही साफ है कि इससे बड़े पैमाने पे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और बिल्कुल बड़े पैमाने पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जी बिल्कुल, बड़े पैमाने पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी और बेहतर कनेक्टिविटी के साथ इंटरकनेक्टेड होगा आने वाला निविदिया। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए अखिलेश। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू को संसद की दो अलग अलग समितियों ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। आपको बता दें वाणिज्य संबंधी विभाग संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष वी विजय साई रेड्डी सभापति एम वेंकैया नायडू की स्थायी समिति से जुड़ी रिपोर्ट पेश की है। वहीं परिवहन पर्यटन और संस्कृति संबंधी विभाग संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष टीजी वेंकटेश ने भी समिति के सदस्यों के साथ सभापति एम वेंकैया नायडू को स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश की है। इस मौके पर संसदीय समिति के महत्व पर जोर डालते हुए सभापति ने कहा कि समितियां मिनी संसद हैं। I would like to tell all the members that the standing committees are very important. They play an important role in strengthening parliamentary democracy. This has to be understood because you get ample time in the committee. Secondly, there is no camera, so you can raise above party and then express your views. And thirdly, there is a possibility of broad consensus. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धन शोधन के एक मामले में लगातार तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। राहुल गांधी सीआरपीएफ जवानों की जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के साथ सुबह एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित ईडी मुख्यालय पहुंचे। उनके साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। संघीय जांच एजेंसी के कार्यालय के आसपास पुलिस और अर्धसैन्य बलों के जवानों को भारी संख्या में तैनात किया गया। साथ ही 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। ईडी ने कांग्रेस नेता से मंगलवार को 11 घंटे अधिक और सोमवार को 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय से सटे इलाके में धारा 144 लागू कर रखी है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे। ग्रामीण भारत के हर घर में नल कनेक्शन द्वारा पीने योग्य जल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। ये केवल एक नल लगा के पानी देने की स्कीम नहीं है, क्वालिटी क्वांटिटी रेगुलरिटी एंड
सस्टेनेबिलिटी, इसकी ये परियोजना। ये आजादी के बाद पहली बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी ने इस ऊपर ध्यान दिया और इसके ऊपर तेजी से काम कर रहे हैं। आपके संसद में इस हफ्ते देखिए, राजनीति में 30 वर्षों का अनुभव रखने वाले मध्य प्रदेश की होशंगाबाद संसदीय सीट के सांसद उदय प्रताप सिंह की कहानी, उन्हीं की जुबानी। उदय जी, MSP का मुद्दा, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? क्या 5200 रुपए मसूर, 5200-5300 रुपए चने का MSP ले गए हैं? आपके संसदीय क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिले, इस दिशा में क्या प्रयास आपकी तरफ? मोदी जी ने स्टार्टअप जॉब ओरिएंटेड जो एक प्रोग्राम इस देश में मोदी जी ने चलाया है वो अनुकरणीय है, और वो ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो इस देश में नौजवानों को संतुष्ट कर सकता है। शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद TV पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। तो ये अभी उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू ने अपने निवास में भारतीय लोकतांत्रिक नेतृत्व संस्थान के छात्रों के साथ मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने इस दौरान छात्रों के साथ कई अहम विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम के तहत 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विभागों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का राज्यव्यापी शुभारंभ भी करेंगे। इसके लिए वडोदरा को सजाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री ने कहा कि इससे नए टैलेंट सामने आएंगे और देश खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने NHPC की सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का दौरा किया। उन्होंने परियोजना के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया और चल रही निर्माण गतिविधियों की प्रगति का जायजा लिया। ये परियोजना इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर शहर के लिए 23 करोड़ की लागत से तैयार की गई उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना के सुधार कार्य का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा 23 जून को होने वाले उपचुनाव की तैयारी में जुटे हैं और लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से मतदान की अपील कर रहे हैं। राज्यसभा सदस्य माणिक साहा को मई में विप्लव कुमार देव की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था। वो टाउन बर्डोवाली क्षेत्र से उपचुनाव लड़ रहे हैं। सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वांग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और सिंगापुर को उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन में पहला भागीदार देश बनाने का प्रस्ताव दिया। बैठक में सिंगापुर और भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बीच संबंधों को और बेहतर करने के विषय में विचार विमर्श किया गया। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में 35 नई रोपवे परियोजना शुरू करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण रोपवे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में 7 रोपवे परियोजनाएं चल रही हैं, जिसे बढ़ाए जाने की तैयारी है। साथ ही सरकार ने योजनाओं की डोरस्टेप डिलीवरी की योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। बीजेपी ने राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाली अपनी विधायक शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति के सचिव ओम पाठक ने पत्र भेजकर विधायक को यह सूचना दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर में जालंधर से दिल्ली हवाई अड्डे के लिए नई वॉल्वो बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब से कुल 55 वोल्वो बसें दिल्ली एयरपोर्ट के लिए चलाने की घोषणा की। बढ़ते अगली खबर की ओर। केरल में हाल ही में त्रिकारा विधानसभा सीट के लिए हुए चुनाव में जीत हासिल करने वाली कांग्रेस की उमा थॉमस ने राज्य विधानसभा में UDF विधायक के तौर पर शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष MB राजेश के कक्ष में उन्होंने शपथ दिलाई गई। तमिलनाडु में आयकर विभाग ने MGM समूह के 30 स्थानों पर छापा मारा। ED ने चेन्नई सहित कई स्थानों पर दस्तावेज खंगाले। मामला आयकर चोरी से जुड़ा है।
पंजाब पुलिस को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का 7 दिन का रिमांड मिला है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सिलसिले में उसे मानसा कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले मध्य रेलवे ने मुंबई में योग कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हजारों की संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। देश के दूसरे हिस्सों में भी रेलवे कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में बच्चों के लिए भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई। वन के प्रवेश द्वार पर स्थित नौका में बने इस पुस्तकालय को पर्यटकों के बच्चों और साथ ही आसपास के स्कूलों के छात्र उपयोग कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पिहरीद गांव में बोरवेल में गिरे 10 वर्षीय राहुल को 100 घंटे से अधिक चले ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक बचा लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह बघेल ने ऑपरेशन में सहयोग देने वाले तमाम लोगों को बधाई दी है। भारत का व्यापारिक निर्यात मई 2022 में 20.55% बढ़कर 38.94 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल मई माह के दौरान संचयी निर्यात लगभग 25% बढ़कर 78.72 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है। रत्न एवं आभूषण निर्यात मई 2022 में बढ़कर 3.22 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये 2.96 अरब डॉलर था। दवा और सिले सिलाए कपड़ों का निर्यात पिछले महीने 10.28% और 27.85% बढ़कर 2 अरब डॉलर और 1.41 अरब डॉलर रहा। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड से जुड़े मामले में शेयर बाजारों बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस देकर 5 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करने को कहा है। सेबी ने आगाह किया है कि अगर 15 दिन के भीतर भुगतान नहीं होता है तो उनकी संपत्ति और बैंक खातों को कुर्क किया जाएगा। शेयर बाजारों द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर सेबी ने ये नोटिस थमाया है। सेबी ने 12 अप्रैल को केएसबीएल में गड़बड़ी का पता लगाने में ढिलाई को लेकर बीएससी पर 3 करोड़ रुपये और एनएससी पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 48 घंटों के भीतर ओडिशा में दस्तक देने की संभावना है। मौसम विभाग के भुवनेश्वर केंद्र के मुताबिक मलकागिरी जिले के चित्रकोंडा और ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में कुछ अन्य स्थानों पर मानसून पूर्व बारिश शुरू हो चुकी है। तटीय राज्य के 16 जिलों में 1 या 2 स्थानों पर बारिश की संभावना है। गजपति के अलावा ओडिशा के आंतरिक जिलों में विभिन्न स्थानों पर और गंजम जिले में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। वहीं झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। रांची सहित कई जिलों में आज झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 5 दिन तक बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुवाहाटी में बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव हो गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारी बारिश की चेतावनी के कारण दीमा हसाओ जिले के सभी शैक्षणिक संस्थान 18 जून तक बंद रखे जाएंगे। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वो अगले सप्ताह एक आपात बैठक आयोजित करेगा, जिसमें यह तय किया जाएगा कि मंकी पॉक्स के वैश्विक प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में वर्गीकृत किया जाए या नहीं। संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी की ये उच्चतम स्तर की चेतावनी है, जो वर्तमान में केवल कोविड महामारी और पोलियो पर लागू होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा है कि मंकी पॉक्स का प्रकोप असामान्य और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन को 39 देशों से 1,600 से अधिक लोगों में मंकी पॉक्स की पुष्टि होने और लगभग 1,500 लोगों में इसके लक्षण पाए जाने की खबर मिली है। मंकी पॉक्स से प्रभावित पहले के देशों में अब तक 72 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। रूस की सेना ने लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल कर यूक्रेन के पश्चिमी लवीव क्षेत्र के एक डिपो को तबाह कर दिया है, जिसमें नाटो की ओर से दिए गए हथियारों का गोला बारूद रखा गया था। यह हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब पूर्वी डोनबास क्षेत्र का सवेरोडोनेत्स्क क्षेत्र लड़ाई का केंद्र बना हुआ है।
हाल में हफ्तों में रूस ने अपने हमले का केंद्र डोनबास क्षेत्र को बनाया है। वहीं रूस समर्थित अलगाववादियों ने यूक्रेन बलों पर अजोत रसायन संयंत्र से नागरिकों को निकालने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। इस संयंत्र में करीब 500 आम लोग और यूक्रेन के लड़ाके छुपे हुए हैं। रूस ने संयंत्र से लोगों को निकालने के लिए मानवीय गलियारे की घोषणा एक दिन पहले की थी। आपको बता दें कि नाटो यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने पर चर्चा कर रहा है। दो दिवसीय बैठक में ट्रांस अटलांटिक सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए स्वीडन और फिनलैंड के आवेदनों पर भी चर्चा की जाएगी। भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन को कोयंबटूर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इंडियन रेलवे ने ट्रेन को 2 साल की लीज पर प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को दिया है। ये ट्रेन महीने में 3 बार संचालित होगी। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।